हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीटेस्ट बटर रसोई। आज मैंने हलवा बनाया है, लेकिन ये सिंपल हलवा नहीं है, मैंने बनाया है मूंग दाल का हलवा। ये खाने में जितना टेस्टी लगता है, इससे कहीं अधिक इसमें बनाने में मेहनत लगती है। लेकिन आज मैंने इसे बहुत ही अलग तरीके से बनाया है, जो कि मिनटों में बन जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए एक कप धुली मूंग दाल लेंगे और इसे 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दाल को धो लेने के बाद इसे छन्नी में अच्छे से फैला लेंगे, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और 15 से 20 मिनट तक के लिए ऐसे फैलाकर रखेंगे। ये देखिए, अब दाल में से एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। अब गैस ऑन करके कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालें। घी के गर्म होने के बाद हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल को लो फ्लेम पर सेकना है और इसे बीच बीच में चलाते जाना। 15 से 20 मिनट में यह दाल सिक जाती है, इसका गोल्डन कलर आ जाता है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये देखिए, दाल का कलर चेंज हो रहा है। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें 4 से 5 इलायची डालेंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब दाल को ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। इस तरह से तैयार पाउडर जो होगा वो कोर्स पाउडर। ये देखिए, इस तरह से हाथ लगाने पर ये पाउडर इस तरह का होता है। अब इस पाउडर को एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें 1 कप शक्कर डालेंगे। शक्कर को भी पीस लेंगे। इस तरह से तैयार शक्कर के पाउडर को दाल के पाउडर में मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 3/4 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिलाएंगे। ये तैयार हो गया हलवा प्रीमिक्स। इसे हम किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इस प्रीमिक्स से हलवा बनाते हैं। हलवा बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पर कुछ नट्स लिए हैं, जिन्हें थोड़ा सा घी डालकर सेक लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू बादाम और अखरोट लिए हैं। नट्स को सेकने के बाद बाउल में डालकर उसी कढ़ाई में 1/2 कप घी लेंगे। घी के गर्म होने के बाद हम इसमें 2 कप प्रीमिक्स डालेंगे। इस प्रीमिक्स से हलवा बहुत ही जल्दी बन जाता है, मिनटों में बन जाता है। और अचानक घर पे मेहमान आ जाएं तो यदि प्रीमिक्स तैयार है तो हमारा हलवा जल्दी से बन जाएगा। आप भी इसे ज़रूर बना के देखिएगा। इस मूंग दाल के हलवे में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, यदि अपन ने प्रीमिक्स पहले से बना के रखा है तो। अब इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। बाकी बचे प्रीमिक्स को मैंने इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में रख लिया है। अब दाल पहले से ही सिकी हुई है, तो बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है इसे। अब हलवे में पानी डालने के लिए पानी को उबाल लेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 कप गर्म पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसे तुरंत अच्छे से मिलाना है, ताकि लम्ब्स ना पड़े इसमें। अच्छे से मिलाने के बाद इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने देंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर दूध को गर्म किया है। गर्म दूध डालेंगे। आप चाहें तो इसमें पूरा पानी ही डाल सकते हैं। दूध जब तक गर्म हो तब तक ड्राई फ्रूट को काट लेते हैं हम। दूध भी गर्म हो गया है। अब इसमें हलवे में दूध डालेंगे। मैंने 1.5 कप दूध डालना है। आप चाहें तो सिर्फ पानी से भी हलवा बना सकते हैं, लेकिन दूध डालने से टेस्ट अच्छा आता है। आप दूध की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक केसर पाउडर लिया, जिसे दूध में घोलकर हलवे में डाला। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हलवे में आप मलाई भी डाल सकते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए, अब इसका घी भी निकल आया है। यह हलवा अब लगभग तैयार हो गया है। इस प्रीमिक्स से हलवा मिनटों में तैयार हो जाता है। अब हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर गार्निशिंग के लिए बचा कर रखे हैं। तो लीजिए, हलवा तैयार है। गैस बंद करके इसे सर्विंग बाउल में डाल देंगे, और ऊपर से गार्निशिंग के लिए जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने डाल दिए यहाँ। ये देखिए, हलवे का टेक्सचर इतना टेस्टी लगता है ये खाने में, और प्रीमिक्स से तो इतनी जल्दी बन जाता है कि हमें बिल्कुल आलस नहीं आता। और अचानक मेहमान आ जाए तो हम कभी भी इसे बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।